बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 12 में है, डाइजेशन इन कॉकरोच। यू नो दैट कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड दिस बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा आप पढ़ते हैं चैप्टर 10 में, तो ये क्लास इंसेक्टा का एक एनिमल है, इंसेक्ट है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो देयर इज एन एडवांसमेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े वी हैव डिस्कस डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन पैरामीशियम, डाइजेशन इन हाइड्रा। ऑल दोज एनिमल्स वर कंटेनिंग सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम एक वो टाइप है जिसमें इंजेशन के लिए एक सेपरेट ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहा जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए, इंजेस्ट करने के लिए एक अलग ओपनिंग होती है जिसे एनस कहा जाता है। तो एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हायर एनिमल्स हैं उनका भी ऐसे ही है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसे ही है। तो कॉकरोच में ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम की इब्तिदा होती है, ओरिजिन होता है, आगाज होता है। क्लासिफिकेशन के लेवल्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट से पहले जो अर्लियर एनिमल्स हम पढ़ चुके हैं उन एनिमल्स में किसी में भी ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, सब में एक ओपनिंग थी और उस सेम सिंगल वन ओपनिंग से फूड की इंजेशन भी हुआ करती और इजेशन भी हमने डिस्कस किया वहीं से होती थी। बट इन दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन, सो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे एक ट्यूब है, उस ट्यूब का एक एंड ओपन है और दूसरा एंड भी ओपन है, तो वो ट्यूब है। एंड यू नो दैट सैक जो है, सैक उसे कहते हैं जिसका एक एंड ओपन होता है दूसरा क्लोज होता है। तो सेम इसी वजह से वो जो सिस्टम हमने प्रीवियस डिस्कस किए जहां सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग थी उसको सैक टाइप कहा जाता है, और जहां पे इंजेशन के लिए अलग ओपनिंग हो और फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट करने के लिए सेपरेट ओपनिंग हो, दिस इज टर्म्ड एज ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच में भी ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम को गट भी बोला जाता है, इस ट्यूब को गट भी कहते हैं, और इसके थ्री पार्ट्स हैं, फोर गट जो कि फ्रंट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, मिड गट जो कि दरमियान वाला पार्ट है, और हाइंड गट जो कि लास्ट वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो कॉकरोच में हम फोर गट की बात करते हैं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, कॉकरोच के एंटीरियर एंड पे, फ्रंट वाले एंड पे एक छोटा सा माउथ ओपनिंग होती है, उस माउथ कैविटी में फूड इसमें जाती है। तो इसके माउथ कैविटी के पास काइटिन के बने हुए इसमें जॉज होते हैं, जैसे हमारे जॉज है ना, जो फूड को क्रशिंग में हेल्प करते हैं। हमारी ओरल कैविटी में तो टीथ हैं, अब कॉकरोच जो है अपनी फूड को कैसे बाइट करता है, कैसे काटता है, तो इसके पास इसके माउथ के फ्रंट पे इसमें जॉज बने हैं, काइटिन के शार्प होते हैं और उनको मैंडिबल्स कहा जाता है। और फिर वहां से एक ट्यूब बन जाती है जिसे हम थ्रॉट या फेरिंग्स कहते हैं, ये यहां से इसकी फेरिंग स्टार्ट हो गई, और इस फेरिंग्स के बाद इसमें एक लार्ज सैक लाइक पार्ट है, ये हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इसकी बॉडी से बाहर निकाल के इसका व्यू देखा। तो इसकी फेरिंक्स यहां से, और फेरिंक्स के बाद इसका ये लार्ज सैक जिसे क्रॉप कहा जाता है। इस क्रॉप का फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे हमारा स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करता है, तो कॉकरोच भी अपनी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी ज्यादा फूड खा लेते हैं
तो वो इनके इस सैक में, क्रॉप में आके स्टोर हो जाती। और क्रॉप के बाद एक छोटा सा मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर को गिजर्ड कहा जाता है। गिजर्ड इज द मस्कुलर सैक, दिस वन। इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और इस क्रॉप से फूड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इस गिजर्ड में आती रहती है। और गिजर्ड के मसल्स स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और आने वाली फूड की ग्राइंडिंग करते रहते हैं। तो इस तरह से गिजर्ड एक ऐसा मसल्स का बना हुआ मस्कुलर सैक है जिसका काम है फूड की ग्राइंडिंग परफॉर्म करना। तो यहां पे फूड की ग्राइंडिंग होती है इस पार्ट में। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फोर गट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है मिड गट। मिड गट एक नैरो ट्यूब है, एक शॉर्ट ट्यूब है, छोटा सा इसका साइज होता है यहां से लेके इस पार्ट पोर्शन तक, दिस वन, जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है ये सेपरेट शो करने के लिए। ये इसका मिड गट है, एक नैरो ट्यूब है। इस मिड गट का एक अदर नेम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिजेंटीरॉन स्टमक। क्या बोलते हैं इसे? मिजेंटीरॉन स्टमक। ये मिजेंटीरॉन स्टमक या मिड गट जो है, इसके स्टार्ट वाले पार्ट पे, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे, इसके टर्मिनल पे, इस स्टार्टिंग एंड के ऊपर, इसमें शॉर्ट फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड ब्रांचेस हैं। ब्लाइंड एंडेड वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं। एक ऐसी ट्यूब जिसका एक एंड क्लोज्ड है उसे ब्लाइंड एंडेड कहेंगे। तो ये देखो, ये इसकी बहुत सारी ये फिंगर लाइक ट्यूब्स बन रही हैं जिसके एंड्स क्लोज्ड हैं, तो इनको हेपेटिक सीका कहा जाता है। और हेपेटिक सीका से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इस मिडगट ट्यूब में आके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हाइंड गट की बात करते हैं। ये जहां से आपको ग्रीन ब्रांचेस नजर आ रही हैं, तो यहां पे आके नेक्स्ट मिडगट कंप्लीट हो गई और इसके बाद वाला पार्ट जो है हम शो करते हैं, दिस वन इज द हाइंड गट। और कॉकरोच में हाइंड गट एक लॉन्ग और क्वाइल्ड ट्यूब होती है। ये देखें ऐसे टर्न हो रही है ना, इस वजह से ये क्वाइल ट्यूब है। इसकी लेंथ जो है वो बाकी पार्ट से, मिड गट से ज्यादा होती है, तो एक लॉन्ग क्वाइल ट्यूब है जिसे हाइंड गट कहा जाता है। और इस हाइंड गट के स्टार्ट में आप देख सकते हैं, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन के पॉइंट पे आप देख सकते हैं, देयर आर सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स। सस्पेंडेड का मतलब ये यहां से इसकी मिड गट के साथ अटैच होके इसकी बॉडी की स्पेस के अंदर हैंगिंग होती हैं, लटकी होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। और इन ट्यूब्यूल्स का नेम एक एनाटॉमिस्ट के नेम पे है, एक बायोलॉजिस्ट के नेम पे है, मार्सिलो मालपिगी उसका नेम था जिसने इनको फॉर द फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया, उसके ऑनर में इनका नेम जो है वो मालपिगी इन ट्यूब्यूल्स रखा हुआ है। ये सेकेंड ईयर में जाके आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मालपिगी इन ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके इस मिड हाइंड गट में ले आती हैं, ताकि डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी इसका इसी पोर्शन से बाहर चला जाए। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, अगर आपने शॉर्टकट याद रखना है इस क्लास में तो देन यू विल सी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है, इसके बाद ये हाइंड गट वाला सारा पार्ट है। और हाइंड गट के लास्ट पोर्शन को रेक्टम कहा जाता है। और इसका टर्मिनल पार्ट हाइंड गट का लास्ट वाला पार्ट रेक्टम है। और इस रेक्टम के एंड पे जो ओपनिंग है, इसको एनस भी कहते हैं, जैसे बाकी एनिमल्स में है, ह्यूमन में है। और आप इंसेक्ट्स में देखेंगे या बर्ड्स में देखेंगे तो ये ओपनिंग बेसिकली इंसेक्ट्स में एक ही ओपनिंग होती है, जहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर जा रहा है और जहां से डाइजेस्टिव वेस्ट भी बाहर जा रहा है। तो ऐसी ओपनिंग जहां से डाइजेस्टिव वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट दोनों एलिमिनेट होते हैं उसे क्लोएका कहा जाता है, दिस वन,
दिस में आल्सो बी कॉल्ड एनस और दिस में आल्सो बी कॉल्ड क्लोएका. तो ये एनस ओपनिंग है या क्लोएका ओपनिंग है. अब बच्चों ये सारा हमने इसके पार्ट को डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम, और एट द एंड आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्सप्लेन करोगे किस तरह से होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करते हैं कि फूड इसके माउथ कैविटी में आती है. तो माउथ कैविटी में मैंडिबल्स होते हैं, जॉस होते हैं, जो इसकी फूड को क्रशिंग में हेल्प करते हैं. और इसके साथ साथ इसकी माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और वो सलाइवा इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में स्टोर हो जाता है जिनको सलाइवरी रिजर्वॉयर्स कहा जाता है. तो इन सलाइवरी रिजर्वॉयर्स से सलाइवा जो है वो कैविटी माउथ में आता है, माउथ कैविटी में आता है, और वो सलाइवा उसमें ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो स्टार्ची मैटर को, स्टार्च कंटेनिंग फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं यहां पे. फिर वही फूड इसकी क्रॉप में आ जाती है. क्रॉप में फूड हमने डिस्कस किया फॉर सम टाइम इसमें स्टोर हो जाती है. इट्स अ सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द स्टोरेज कैपेसिटी. फूड जब यहां पे स्टोर होती है तो फिर फूड इस क्रॉप से चंक बाय चंक रिमूव होती है. चंक्स कहा जाता है लार्ज पीसेस को, बल्क पीसेस को कहा जाता है. ये फूड जो है वो बल्क पीसेस की फॉर्म में, लार्ज पीसेस की फॉर्म में इस क्रॉप से रिलीज होकर गिजर्ड में जाती है, और गिजर्ड जो है उस फूड के बड़े पीसेस को, लार्ज पीसेस को अपनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता रहता है, इसकी क्रशिंग करता रहता है, उसको ग्राइंडिंग करता रहता है. फिर ग्राइंडिंग होके फूड कहाँ आ जाती है, मिडगट में आ जाती है. मिडगट के साथ हमने डिस्कस किया इसके हेपेटिक सिका है, फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड प्रोजेक्शंस हैं, और यहां से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, वो आके इस फूड को मजीद डाइजेस्ट कर देते हैं. फिर फूड इस मिडगट से निकलती है तो इसकी हाइंड गट में चली जाती है, और हाइंड गट में एब्जॉर्ब्ड फूड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और अनडाइजेस्टेड जो मैटर है वो फाइनली इसके इस रेक्टम में चला जाता है. रेक्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है अपने अंदर. जब ये रेक्टम फुल हो जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट से, तो फिर इसमें डेफिकेशन होती है, फीसस इसका रिमूव होता है, वेस्ट रिमूव होता है, ये क्लोएका ओपन या एनस जो है वो ओपन हो जाता है, और रेक्टम से अनडाइजेस्टेड वेस्ट इसकी बॉडी से बाहर चला जाता है. सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन कॉकरोच. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.